नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 31 मई और 1 जून की आपकी राशि के महाराशिफल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मई माह के आखिरी दिन और जून माह के पहले दिन आप सभी के लिए केशव व्यतीत होने वाले हैं। इन दिनों में ग्रहों की स्थिति कैसी होंगी, क्या क्या योग बनने वाले हैं और इन सभी का असर आपकी जीवन काल पर क्या होंगे, किन किन चीज़ों को लेकर यश में आपको सावधान रहने होंगे और आखिर कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। यश में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा। दोस्तों इन दो दिनों में आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियाँ कैसे होते होंगे, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो के अंत में बहुत ही अच्छे उपाय हैं जिन्हें आप करके इन दिनों को और भी लाभकारी बना पाएंगे। उससे पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो आइए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहले जानते हैं इन दोनों की ग्रहों की स्थिति के बारे में। 31 मई की बात करें तो दोस्तों आखिरी दिन में सोमवार का दिन रह रहा है। कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि और श्रवण नाम का नक्षत्र रहेगा। ये दोस्तों योग की बात करें तो ये जो समय है, ये जो ग्रह नक्षत्र हैं, इनमें बहुत ही अच्छे योग हैं। ब्रह्म नाम का शुभ योग रहेगा सुबह के 6:03 के बाद। जो योग है वो इंद्र नाम का योग प्रारंभ होगा। राहुकाल का समय इस दिन जो है सुबह के 7:24 से लेकर सुबह के 9:04 रहेगा। बस दोस्तों आपको राहुकाल के समय में सावधानियां बरतनी है, कोई भी महत्वपूर्ण कार्य को यश में नहीं करनी है। और चंद्रमा दिन मकर राशि के उपरांत कुंभ राशि में संचार कर जाएंगे। दोस्तों महीने के पहले दिन की बात करें 1 जून की, तो मंगलवार का दिन होगा, बहुत ही अच्छे दिन है। सप्तमी तिथि और घनिष्ठा नक्षत्र के साथ इस दिन विष कुंभ नाम जैसे बड़े योग इस दिन बन रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहने वाले हैं। परंतु राहुकाल के समय आप सावधान रहें। इस दिन राहुकाल का समय शाम के 3:44 से लेकर शाम के 5:24 रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों इस दिन चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा कुंभ राशि पर ही इस दिन संचार करेंगे। तो आए दोस्तों बात करते हैं इन दोनों के जो ग्रहों की स्थिति है और चंद्रमा का यह गोचर आपकी जीवन काल पर क्या क्या प्रभाव डालते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों यश में घर परिवार में आपसी विचारधारा एक दूसरे से अच्छा हो सकता है। हर क्षेत्रों में आपसी सामंजस्य मधुर होने से घर परिवार का यश में विकास हो सकता है। मैं दोस्तों इन दिनों में घर की स्थिति अच्छी होंगी, सगे संबंधियों के साथ रिलेशन जो है आपका यश में अच्छा बनता जाएगा। दोस्तों इन दिनों में कामकाज के क्षेत्रों में सभी आपके जो है सहयोग प्राप्त करेंगे। दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी सावधानी यानी नेगेटिव के लेकर बात करें तो दोस्तों ये जो आपके लिए समय होंगे इन दिनों में, समय और परिस्थिति को आपको देखते हुए चलना होगा। दोस्तों इन दिनों में एक दूसरे की जो है सहयोग की भावना आपको रखनी चाहिए। घरेलू विवाद न उत्पन्न हो इसके लिए आपको इन दिनों में जो है भरपूर प्रयास करने चाहिए। दोस्तों इन दिनों में आपके लिए जो समय होंगे आप यह कर सकते हैं, आप प्रयास करें, आपके अंदर यह क्षमता जो है पाई जाती है। व्यापार में चुनौतियों का आपको सामना भी करना पड़ेगा। वहीं दोस्तों इन दिनों में आपके लिए जो समय होंगे कुछ नई तरह की जिम्मेदारियों वाला समय होगा। कुछ ऐसे काम जो है आपको यह समय करने पड़ सकते हैं जिनमें आपने अभी तक जो है अपना हाथ भी नहीं आजमाया था। दोस्तों ये आपको थोड़ा तनाव और जो है परेशानी दे सकता है। नए लोगों से यह समय जो है आपके मुलाकात के आसार हैं, जिनके साथ नए रिश्तों का आरंभ भी होगा। यदि किसी प्रकार का निर्णय लेने की आप यह समय सोच रहे हैं तो दोस्तों यह समय आपके लिए उचित समय होगा। आप यह समय निर्णय ले सकते हैं, आपको अपने कंफर्ट जोन से यह समय बाहर कदम उठाना चाहिए। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो ये जो आपके लिए समय होंगे करियर के मामले में, दफ्तर में आप जो है काम पर दबाव अधिक महसूस करेंगे। दोस्तों इन दिनों में जो है आपके अधिकारियों का जिम्मेदारी ज़्यादा रह सकती है, आपकी स्थिति भी रहेगी, कार्य क्षेत्र में कामकाज की अधिकता रहेगी और भागदौड़ अधिक रहेगी। दोस्तों इन दिनों में जिससे आपको शारीरिक और जो है मानसिक थकान हो सकता है, आप इन थकानों को अनुभव यश में करेंगे। वहीं दोस्तों इन दिनों में ये जो आपके दिन होंगे, अगर आपकी लव लाइफ की बात करें तो आपकी रोमांटिक लाइफ यश में जो है काफ़ी सुकून देने वाली रह सकती है। आपकी सोच में एक पॉजिटिविटी रहेगी जिसे आप अपने पार्टनर का प्रभाव भी समझ सकते हैं। अपने पार्टनर के साथ जो है किसी शॉर्ट ट्रिप पर भी आप यश में जा सकते हैं। ये जो आपके लिए समय होंगे इन दिनों में, आप जो है अपने परिजन के साथ समय गुजार सकते हैं या फिर समय गुजारने का यश में जो है आपको मौका मिलेगा। कुछ मामलों में यश में आपकी बहस हो सकती है, आप इन बातों का ध्यान रखें। बहस करने से पहले दोस्तों आप यह बातों को ध्यान रखें कि हमें अपने वाणी पर जो है संयम रखना चाहिए। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी जो है हेल्थ को लेकर बात करें
तो मानसिक तनाव के कारण आप यश में परेशान रहेंगे, क्योंकि दोस्तों ऑफिस का काम आपके ऊपर इन दिनों ज़्यादा ही रहेगा। आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जो है आवश्यकता होगी। दोस्तों इन दिनों में आपका भाग्यशाली रंग रहेगा सफ़ेद और भाग्यशाली अंक रहेगा 3। वहीं दोस्तों इन दिनों में आपके लिए जो समय होंगे, गणेश जी कहते हैं कि यह समय दूर के धार्मिक स्थानों पर मुलाकात लेने के लिए अनुकूल दिन होगा। दोस्तों ये जो आपके लिए समय होंगे, पारिवारिक सदस्यों के साथ किसी तीर्थ स्थान की यात्रा के लिए जाने का जो है आप आयोजन करें। माता पिता को यात्रा कराकर उनका आशीर्वाद लेंगे। आप जो है यह समय जो आपके लिए दिन होंगे इन दिनों में दौड़ धूप में व्यतीत होगा। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी धन को लेकर बात करें, तो ये जो समय होंगे आपके लिए गणेश जी के अनुसार आप जो है अत्यधिक निर्णायक और आत्मविश्वासी रहेंगे। दोस्तों इन दिनों में आपकी ये जो क्वालिटी है आपके काम की गति को बढ़ाने और आपको अधिक कुशल बनाने में मददगार होगा। आप पहले से ही चीज़ों का जो है न्याय करने में सक्षम होंगे, जो आपको ऑफिस के रूटीन कामकाज तेज़ी से पूरा करने में मदद करेगा। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी जो है पारिवारिक जीवन की बात करें, तो इन दिनों में पारिवारिक जीवन से संबंधित जो है मामले आपके लिए जो है अधिक प्रैक्टिकल हो सकते हैं। आपके प्यार को जो है ऐसा लग सकता है कि आप अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त करने में जो है असमर्थ हैं। दोस्तों इन दिनों में इस बात का आप जो है असर आपकी लव लाइफ पर भी पड़ेगा, तो खास इन बातों का आप ध्यान रखें। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें, तो ये जो आपके लिए समय होंगे इन दिनों में, यदि आपने अभी तक शेयर बाज़ार में निवेश नहीं किया है, तो दोस्तों ये जो समय होंगे इस दिशा में कदम बढ़ाने के सही दिन होंगे। भाग्य आपके पक्ष में है, ऐसे में ये जो समय होंगे आप अपना जो है बैंक बैलेंस बढ़ाने में आप जो है सक्षम रहेंगे। दोस्तों इन दिनों में आपके लिए जो समय होंगे अपनी दिनचर्या को अच्छी तरह से संभालने में भी आप सक्षम होंगे। आपकी जो क्रिएटिव एनर्जी है यह समय हाई लेवल पर रहेगी। ऐसे में दोस्तों आपको खुद को जो है अच्छे मूड में रखना चाहिए। आप जो है कुछ आयोजन बनाने के इच्छुक होंगे। दोस्तों इन दिनों में गणेश जी कहते हैं कि ये जो आपके लिए समय होंगे इन दिनों में आपके अपने जो है दिनचर्या की योजना बनाने के लिए जो है बहुत अच्छा रहेगा। तो दोस्तों ये समय आप अपने दिनचर्या की योजना बनाएं और अपने लाइफ में जो है आगे बढ़ते रहें। साथ ही दोस्तों इन दिनों में आप में जो है चुस्ती फुर्ती देखी जा सकती है। आपका स्वास्थ्य जो है यश में पूरी तरह से आपका साथ भी देगा। दोस्तों इन दिनों में नया आर्थिक करार जो है अंतिम रूप लेगा और धन आपकी तरफ आएगा। शाम के समय जो आपके लिए समय होंगे अपने जीवन साथी के साथ बाहर खाना या फिर फिल्म देखना आपको सुकून देगा। और दोस्तों ये जो समय होंगे खुश मिजाज आपको बनाए रखेगा। रोमांस के लिए जो दिन होंगे इन सभी दिनों में आपके लिए बहुत ही अच्छा दिन होगा। आप जो है दूसरे दिनों की तुलना में अपने लक्ष्यों को यश में कुछ ज़्यादा ही ऊँचा तय कर सकते हैं। अगर परिणाम आपकी उम्मीद के मुताबिक न आए, तो दोस्तों आपको निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसी कई सारी चीज़ें होंगी जिनकी तरफ जो है तुरंत गौर करने की आवश्यकता है। दोस्तों इन दिनों में जीवन साथी की किसी बात को गंभीरता से न लें, इससे दोस्तों आपकी स्थिति में जो है विवाद हो सकता है। दोस्तों ये जो दिन होंगे आपके लिए, रात को आप दूध पानी व चीनी को जो है सिरहाने रखकर सुबह किसी वृक्ष में डाल दें। इससे दोस्तों आपके बिजनेस और नौकरी में जो भी रुकावटें आ रही है उनमें रुकावटें खत्म होंगी और आपको बिजनेस और नौकरी में यश में फायदा होगा। दोस्तों यश में आपको कौन से महत्वपूर्ण उपायों को करना चाहिए? दोस्तों आपको बता दें, अगर आप नौकरी की तलाश में हैं या फिर आपकी नौकरी में अड़चनें आती है या फिर आपकी नौकरी आपके हाथों से छूट गई है, तो दोस्तों यश में आपको यश में कौन से उपायों को करना चाहिए? दोस्तों आपको बता दें कि यश में आप इन उपायों को मंगलवार से प्रारंभ करें और इन्हें लगातार 40 दिन तक करें। जहाँ दोस्तों हर रोज़ आप सुबह के समय नंगे पैर हनुमान जी के मंदिर में जाएं और उन्हें लाल गुलाब के फूल चढ़ाएं। ऐसा करने से शीघ्र ही आपका रोज़गार आपके पास वापस होगा। या फिर आपके पास रोज़गार नहीं है, तो दोस्तों आपको रोज़गार की प्राप्ति होगी। जी दोस्तों, तो दोस्तों यश में आप इन उपायों को शुरू कर सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। इनसे दोस्तों अपने जीवन में आप सभी समस्याओं को दूर करके नौकरी पा सकते हैं। और साथ ही दोस्तों और ऐसे ही अधिक जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।